यस, वेरी गुड इवनिंग सभी को भाई। पर फिर से आज हम लोग कंप्यूटर की सीरीज आपके सामने है। आज हम लोग कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे भाई, राइट। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने पहले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले बच्चों आप लोग फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जरूर वॉच करें। दिवाली वीकेंड पे हमारी क्लासेस नहीं हुई, आपको पता होगा तो लास्ट सैटरडे संडे था, वो दीपावली थी और उस टाइम पे मतलब क्लासेस नहीं हो पाई कंडक्ट। एक टेस्ट हम लोग इस पर कंडक्ट कर चुके हैं, जो दो क्लासेस में पढ़ा था उस पर टेस्ट भी किया। इस सीरीज में हम लोग कंप्यूटर की कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं 2024 के लिए, 25-26 के लिए। अगर आप प्रिपरेशन है कि लाइव कंप्यूटर फ्री सीरीज आपके लिए बहुत काम आने वाली है, ठीक है बच्चों। मॉड्यूल 1 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, मॉड्यूल 1 में हमारी दो क्लासेस हो चुकी थी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर थ्री। वेट अ मिनट, मैं चेक कर ले रहा हूँ वॉइस। हेलो हेलो, चेक कर लेता हूँ वॉइस, बेटा एक बार चेक कर ले। अभी चेक करें, क्लियर है? अभी चेक करें, क्लियर है वॉइस? एक बार चेक कर लें सभी लोग भाई, वॉइस क्लियर है? प्रीमियम टेस्ट सीरीज और अर्जुना टेस्ट सीरीज में भी कोई डिफरेंस नहीं है। प्रीमियम टेस्ट सीरीज अर्जुना टेस्ट सीरीज में अभी कोई डिफरेंस नहीं है हाल फिलहाल, तो आप अभी दोनों में से कोई भी ले सकते हो। दो टेस्ट सीरीज आप लोगे आपको टेस्ट मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अर्जुना टेस्ट सीरीज हम लोग नई लॉन्च कर रहे हैं तो अर्जुना टेस्ट सीरीज में एक टाइम टेबल नया होगा, राइट। बट ऐसा नहीं है कि प्रीमियम टेस्ट सीरीज में वो टेस्ट नहीं मिलेंगे, प्रीमियम टेस्ट सीरीज के बच्चों को भी बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, प्लस प्रीमियम टेस्ट सीरीज में कुछ होंगे, ठीक है। अभी अर्जुना टेस्ट सीरीज या प्रीमियम टेस्ट सीरीज आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों के कॉस्ट भी सेम है और दोनों में टेस्ट भी सेम आएंगे। दिवाली ऑफर अभी सिर्फ कल तक अवेलेबल है, लास्ट कल हमारा अवेलेबल होगा बेटा। कल के बाद दिवाली ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये दिवाली हमने पढ़ाई वाली बनाई है आप लोगों के लिए। इसमें आपको 8000 तक का कोर्सेज में आपको डिस्काउंट मिल रहा था और 800 का मिल रहा था टेस्ट सीरीज में और सेल्फ स्टडी कोर्स में। इसका रीजन था भाई, इस बार एक्मे एकेडमी अपना 8th फाउंडेशन डे मना रहा था। इस 14 नवंबर को हमारा 8th फाउंडेशन डे था, तो हम लोगों ने 8000 और 800 तक का डिस्काउंट रखा था अपने कोर्सेज पे। बट ये डिस्काउंट जो चल रहा था आपका, वो कल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कल रात को 11:59 तक आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कांटेक्ट करके कॉल कर सकते हो कि सर मुझे इसके बारे में जानना है, इस ऑफर के बारे में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की फटाफट। तो लेक्चर नंबर 3 हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्यूटर में नंबर सिस्टम में, पहले नंबर सिस्टम समझा था हम लोगों ने, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। फिर हमने एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना सीख लिया था, राइट। उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया है और वो टेस्ट भी आप लोगों ने आई थिंक दिया होगा। टेस्ट देने के लिए आपको एक्मे एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रोफाइल कंप्लीट, और आपको बैच रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। बैच रिक्वेस्ट के लिए बैच कोड जो है हमारा वो एक्मे CS2, राइट, एक्मे CS2, एक्मे कंप्यूटर सीरीज। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ भाई, तुम कल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कल अभी टाइम है। वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? एक बार क्या प्रॉब्लम जा रहा है भाई वॉइस में यार, अभी ब्रेक हो रही है? हेलो, जस्ट अ मिनट, मैं
चलिए अभी ठीक है, एक बार चेक कर लें, अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अभी देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए डालिए हेडिंग, अब पढ़ाई करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप बाद में पूछिएगा बेटा, ठीक है। अभी पढ़ाई करेंगे सभी लोग, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सपोज एक क्वेश्चन है हमारा 110011101101011011, ये बेस टू में दिया गया है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 32, बेस 32 में से कन्वर्ट करना है, हो जाएगा आई थिंक सभी से। करें जल्दी से ट्राई बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, कन्वर्ट करें। देखें भाई कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको बेटा यहां पे बेस 32 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था 32 का मतलब होता है 5 बिट, यस या सुनो, 32 का मतलब 2 की पावर 5, 32 मिलेगा मतलब हर 5-5 बिट को आप क्या करेंगे बच्चों, कंबाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे समझेंगे इस क्वेश्चन को, 5-5 बिट को आप कंबाइन करिए, 110011110111, तो सबसे पहले हम ये 5 बिट लेंगे यहां से, फिर बच्चों ये 5 बिट लेंगे, फिर ये 5 बिट लेंगे, और ये फिर हम लोग लास्ट की 5 बिट लेंगे, एग्री। ये 5 बिट लेंगे यहां से, ये 5 बिट लेंगे, ये 5 बिट लेंगे, और ये 5 बिट लेंगे। इस 5 बिट को क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से बच्चों, क्या बोलेंगे इस 5 बिट को, क्या बोलेंगे? देखिए 1 है 2 है 16 है और 8 है, 16 और 8 कितना होता है 24, 24 और 3 कितना होता है बच्चों 27। सर लैग कर रहा है, क्या लैग कर रहा है भाई बताएं तो जरा एक बार, बाकी लोग बताएं कैसे हुए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, चेक करो एक बार जरा कैसे जा रहा है, उसमें सही जा रहा है ना, जिनको लैग कर रहा है वो आपके आपके सिस्टम पे लैग कर रहा होगा बेटा। 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 हो जाएगा 27। थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए 8 दिया है, 4 दिया है और 2 दिया है, 8 4 कितना होता है 12, 12 और 2 14, ये कितना दिया बेटा देखो, ये 16 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, एंड व्हाट इज दिस 16 8 और 1, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 1, तो थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये आपका बेस 32 के अंदर की डिजिट्स है, मतलब दिस इज द फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड द फोर्थ डिजिट, नोट कर लीजिए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है आता बच्चों? चले ठीक है, तो कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग इनका ऑपरेशंस करना सीखेंगे कन्वर्जन का। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, कन्वर्ट 16 167.352 बेस 8 इनटू बेस 16। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, आपको 167.352 बेस 8 को कन्वर्ट करना है बेस 16 में, ये भी याद आ रहा होगा आपको, इसमें भी कुछ समय कराया गया क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे बच्चों, समझ गए होगे आई थिंक सभी लोग, आंसर बताएं फटाफट। 167, तो सबसे पहले तो बेस 8 को बेस 2 में कन्वर्ट करना होगा, यस सुनो,
करना पड़ेगा बच्चों। तो बेस टू में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है बेस एट में लिखा हुआ है, मतलब अगर हर डिजिट को मैं 33 बिट की बाइनरी में लिख दूं तो वो बेस टू में आ जाएगा। फिर उसके बाद बेस 16 में लाने के लिए मुझे 4-4 बिट की बाइनरी को क्या करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझिए 167352 पहले आप लिख लीजिए, इसका बाइनरी लिखिए 33 डिजिट में। तो 7 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 111 पढ़ाया था मैंने, 4 2 6 और 1 7, इसको क्या बोलेंगे 110, इसको क्या बोलेंगे 1 और 00, पॉइंट लगा दिया। 3 को क्या बोलोगे बच्चों, 011। 5 को क्या बोलोगे, 4 और 1 5। 2 को क्या बोलोगे बच्चों, 2। अब आपको करना क्या है, ये बन गया है बेस 2 में, ये किसमें बन गया बच्चों, बेस 2 में, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू बेस 16। तो बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को उसके 4-4 बिट को क्लब करना होगा इस तरीके से। तो इस बिट को अगर क्लब करें तो 7 कहलाएगी, और इसको भी 4 बिट को मिला दें तो 7 कहलाएगा। यहाँ पे 4 बिट बचती नहीं है तो 0 हो जाएगा पूरा, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ से 4 बिट को क्लब करेंगे तो ये 7 कहलाएगा। लास्ट से देखें, यहाँ से 4 बिट को क्लब करेंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों, 4 और 1 5 कहलाएगा, और आगे हमारा 0 होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये बेस 16 में कन्वर्ट हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सो द राइट आंसर इज, यस भाई कोई बात नहीं, आप इस रिकॉर्डेड वीडियोस को देख लीजिएगा, मुझे पता है आज छठ पूजा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग, आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, ठीक है। इसीलिए ऑफर भी छठ पूजा तक ही है भाई, आप लोग इस ऑफर का बेनिफिट लीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे बच्चों क्या, अरिथमेटिक, है ना, अरिथमेटिक मतलब ऑपरेशंस इन बाइनरी। डालिए हेडिंग, ऑपरेशंस इन नंबर सिस्टम या ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम्स, ऑपरेशंस ऑन नंबर सिस्टम। मतलब बच्चों इसका क्या है, इसको समझ लेते हैं एक बार। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, है ना, तो हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी भी मतलब मैं जस्ट सो के उठा हूँ, ठीक है, मतलब टैबलेट खा के पढ़ाना पड़ रहा है, ऐसा हाल है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक देखिएगा, है ना। चलें समझते हैं ऑपरेशंस और नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि मान लो एक नंबर है हमारा जो किसी एक बेस में रिप्रेजेंटेड है, दूसरा नंबर हो सकता है उसी सेम बेस में हो या डिफरेंट बेस में हो, और उन नंबर्स को आपको मुझे क्या करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, तो हम कैसे करेंगे इस बात को समझेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा, इस पर क्वेश्चन आपको मिलता है एनएमसेट में, सीयूटी में। तो बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन मान लो करना है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यह है बच्चों हमारा, कन्वर्ट बोथ नंबर इनटू सेम बेस, सेम रेडिक्स या फिर बेस। मतलब जिन दो नंबरों पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो दोनों नंबर सेम रेडिक्स या सेम बेस में होने चाहिए, वो दोनों नंबर सेम रेडिक्स या सेम बेस में होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस, राइट। स्टेप टू, यूज एनी वन ऑफ मेथड, एनी वन ऑफ मेथड, हम कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, और दो मेथड हमारे पास होते हैं। पहला विद हेल्प ऑफ डेसिमल, और दूसरा है बच्चों
विदाउट हेल्प ऑफ डेसिमल। क्या मतलब इन दोनों का समझाता हूं, विदाउट हेल्प ऑफ डेसिमल। मान लो दो नंबर बच्चों दिए गए जो अलग अलग बेस में दिए गए, और मुझे मान लो उनको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों नंबर सेम बेस में आ जाने चाहिए, रिडिक्स में आ जाने चाहिए। उसके बाद उन्हें हम लोग किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, विद द हेल्प ऑफ द डेसिमल, मतलब डेसिमल की हेल्प लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, विदाउट हेल्प ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल की हेल्प लिए बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सर क्या मतलब है इसका, मतलब यह है कि किसी भी बेस में हो, मान लो दिया है फोर बेस में फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर बेस से पहले डेसिमल में ले आए दोनों नंबर को, फिर डेसिमल में ऐड कर ले तो नंबर डेसिमल में आ गया, वापस उसे फोर बेस में भेज दें तो आंसर आ गया। एग्री यस नो? तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हेल्प ऑफ डेसिमल जो मैंने अभी आपको समझाया, और दूसरा क्या है, विदाउट हेल्प ऑफ डेसिमल का मतलब यह है डायरेक्ट ऑपरेशन ऑन दैट बेस, डायरेक्ट ऑपरेशन ऑन दैट बेस, ऑन दैट बेस। ठीक है, मैं दोनों ही चीजों को समझाऊंगा आपको बाकायदा एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको दोनों ही चीजों को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे बच्चों, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एम 3 2 1 बेस 4, एन 1 1 3 3 बेस 4। फाइंड, पहला है हमारे पास एम प्लस वन, दूसरा है एम माइनस एन इनटू बेस 4। मतलब बच्चों समझिए क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए आप लोग। दो नंबर हमें दिए गए हैं बेस 4 में, किसमें दिए गए हैं, बेस 4 में दिए गए, एंड यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू फाइंड एम प्लस एन यानी कि दोनों नंबर का एडिशन, एज वेल एज, यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी पहले एन माइनस एम लिखेंगे यहाँ पे, ना कि एम माइनस एम, एन माइनस एम है ना, और दूसरा निकालेंगे हम लोग एन माइनस एम, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, टू बेस 4, और हमें कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, इन बेस 4 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ गए? तो यहां पे दो मेथड है, पहले हम लोग मेथड वन बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डेसिमल, देखो कैसे, विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो मेथड आप सीख लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही मेथड से आपके आंसर्स आते हैं। ठीक है, जिस बच्चे, कुछ बच्चे इसमें कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बच्चे सेकंड में कंफर्टेबल होते हैं। पहला मेथड हम लोग डेसिमल की हेल्प लेना चाह रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं कर देंगे इनको, नहीं आप डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है, अभी पहले हम लोग डेसिमल की हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो पहले बच्चों मुझे एम जो दिया गया है बेस 4 में, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 10, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेस 10 बदलने के लिए क्या करना होगा, जल्दी बोलो, डेसिमल बदलो उसको जल्दी से, डेसिमल में बदलो, डेसिमल में कन्वर्ट करो जल्दी से, क्या आ जाएगा बच्चों, एम क्या आ जाएगा, 1 × 4 की पावर 0 प्लस 2 × 4 की पावर 1 प्लस 3 × 4 की पावर 2, यही हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 + 8 प्लस में 48, कितना हो जाएगा भाई, 57 बेस 10। तो मुझे m पता चल गया कि m जो है वो डेसिमल का 57 है। ठीक है भाई, n बताओ, n क्या है, तो n क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 4 की पावर, इसे भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में, इसे भी किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलो बताओ क्या हो जाएगा, 3 × 4 की पावर 0, 3 × 4 की पावर 1, 1 × 4 की पावर 2 और 1 × 4 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 3 12 16 64, राइट राइट ना, 16 12 कितना हो जाएगा, 28 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31
कितना आ जाएगा ये 90 बेस 10, तो ये 95 बेस 10 का आ गया। अब आई थिंक हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, जैसे पहला पार्ट अगर मुझे करना है m प्लस n तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ जल्दी, 95 बेस 10 प्लस ऐड करो कितना हो जाएगा, बेस 10 में तो हम लोग ऐड करना जानते हैं बहुत आसानी से, कितना हो जाएगा 75 जा 12 कैरी 1, 95 14 ओवर 15 बेस 10। अभी हमारा जब बेस 10 में आ गया तो हम इसे इजीली क्या कर लेंगे बच्चों, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बेस 4 में। तो करो बेस 4 में कन्वर्ट, तो कैसे कन्वर्ट होगा जल्दी बताओ, 152 बेस 4 में कन्वर्ट करो कितना आएगा, 4 3 जा 12 32 हो जाएगा 80 राइट, फिर 4 9 जा 36 2 आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8 और बना जाएगा, तो क्या लिखोगे इसको 2120 बेस 4। क्या सभी लोगों का m प्लस n क्लियर हुआ? अब इसी क्वेश्चन में अगर मुझे क्या पूछा था बच्चों, सेकंड पार्ट क्या पूछा है हमसे, n माइनस m, तो n माइनस m क्या हो जाएगा, 95 माइनस में कितना हो जाएगा 57, कितना आ रहा है बच्चों बताओ, माइनस कर लेंगे ना बेस 10 में, कितना आ जाएगा 8 38 ना 38 आ रहा है। अब 38 को कन्वर्ट करना तो हम लोग जानते हैं, यहां से देखो किया हमने, क्या लिख देंगे हम लोग इसको 212 बेस 4, समझ गए क्लियर है भाई, यहां से हो जाएगा कन्वर्ट 38 मतलब इतना 212 बेस 4। तो ये आंसर आए हम लोगों के हेल्प ऑफ द डेसिमल, नोट कर लीजिए। आप मम्मी पापा के साथ मिलने आना चाहते हैं आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मंडे को सुबह 11-12 बजे तक आ जाइएगा, 12 बजे आ जाइए मंडे को, ठीक है, दोपहर के टाइम में आइएगा, मतलब वही 12 बजे से लेके 5 बजे के पहले, 4 बजे के पहले आइएगा, ठीक है, ठीक है। सो देयर इज द टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, फर्स्ट मेथड हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनको कन्वर्ट किया किसमें बच्चों, किसमें कन्वर्ट किया जल्दी बोलो, डेसिमल में कन्वर्ट किया, और फिर मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म करने थे वो ऑपरेशन परफॉर्म किए, और वापस हम किस पे आ गए, कन्वर्ट करके बेस 4 में आ गए। तो आपने देखा होगा इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा, राइट, कि पहले भाई बेस 10 में गए, फिर वापस सॉल्व किया, फिर बेस 4 में आए। अब हम आपको मेथड 2 बताएंगे विदाउट हेल्प ऑफ डेसिमल, मतलब हम लोग डायरेक्टली इसी बेस में ही मल्टीप्लाई डिवाइड या एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब ये बेस 2 में ही कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी बेस 4 में ही हम लोग कैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसके लिए मेथड नंबर 2 डाल लीजिए इसी क्वेश्चन का, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखेंगे, एक बार बताइएगा क्वेश्चन में क्या था बेटा, अब मेथड नंबर 2 समझेंगे। मेथड 2 में क्या है, डायरेक्ट ऑपरेशंस एंड ऑन गिवन बेस और रेडियस, ठीक है। मेथड नंबर 1 हमने आपको बस सिखा दिया है, आगे से हम लोग उसको यूज बहुत ही कम करेंगे, रेयर ऑफ रेयर में हम लोग यूज करेंगे उसको, अदरवाइज हम लोग हमेशा यही मेथड यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ही बेस को आपस में एक ही बेस में ऑपरेशंस करेंगे जिस बेस में दिया गया होगा, ठीक है। बट इसके लिए मुझे चीजों को समझना होगा, कैसे समझना होगा ध्यान से देखें बच्चों, पहले मैं आपको नॉर्मल समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने 35 और 26 को मान लो ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हो, तो आपको पता है डेसिमल में है, किसमें है, डेसिमल में। तो डेसिमल में जब आप ऐड करते हो तो आपको पता है बच्चों कि डेसिमल में हमारे पास जो डिजिट होती है वो 0 से 9 तक होती है, या सुनो आप 6 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होता है 11, कितना होता है बेटा 11। तो आप यहाँ 11 लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास डेसिमल सिस्टम होता है उसमें 11 डिजिट तो होती ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको पता होगा आप लोग बहुत बेसिक सीखे हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 कैरी भेज देते हैं। अब ये 1 कैरी क्यों जाता है उसका मतलब आज हमको आपको समझा रहे हैं कि हम लोग 1 कैरी क्यों भेजते हैं, क्लियर बात। तो 605 को जब आपने ऐड किया बच्चों तो 11 आया। अब मुझे एक चीज बता दो जरा प्यारे बच्चों कि अगर मैं 11 को बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो क्या बोलोगे, बेस 10 में
तो 10 बन जाए 10 1, ऐसे नहीं बोलोगे 1 और 1, मतलब 1 और 1 लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलो बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, सॉरी 1 और 1 लिखोगे नहीं लिखोगे, ऐसे ऐसे तो कन्वर्ट करते हो कि नहीं करते हो बताओ भाई। मतलब आप एक चीज समझ गए होगे कि जब हम इसको लिखने जाएंगे तो वन तो हम लिखेंगे और वन हम लोग क्या देंगे, कैरी देंगे, वन लिखेंगे और वन क्या करेंगे, कैरी करेंगे। मतलब ये हो गया कि इस 11 को हम लोग वन यहाँ लिख देंगे पहले डिजिट और अगले वाले वन को इधर भेज देंगे और फिर स्क्वायर कर देते हैं 3, 5, 2, 6, 7, 7 हमारा इसके अंदर आ जाता है तो आंसर आ जाता है हमारा। क्लियर है बात? सेम ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे बेस 4 में, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सेम ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे बेस 4 में। बताइए बच्चों एम क्या था, जल्दी बोलो, 3, 4, हाँ तो बोलो ना तेज, 3, 2, 1 बेस 4, एन क्या था, 1, 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
से देखेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट, हमें क्या करना है m प्लस n, एग्री? ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं बच्चों, आगे से आप लोग डायरेक्ट ही आज सीख जाओगे, राइट? 3 2 1 लिख लिया बेस 4 में, आपको ऐड करना है दोनों को, और किसमें ऐड करना है बच्चों? बेस 4 में। आपको पता है किसमें ऐड करने जा रहे हैं हम लोग? बेस 4 में। और जब आप बेस 4 में जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी डिजिट्स अवेलेबल है, जल्दी बोलो डिजिट्स कौन कौन सी है बच्चों? सर 0 है, 1 है, 2 है, और बस यही डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है, 3 के ऊपर की डिजिट हम नहीं लिख सकते, एग्री? 3 और 1 ऐड करो कितना होगा? 4 होगा। 4 डिजिट होती है क्या बेस 4 में? नहीं होती है। तो मतलब ये हो गया कि जब हमें 4 मिलेगा तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे बेस 3 में? 3 बन जा, सॉरी बेस 4 है ना हमारा, 4 को हम लोग क्या लिखेंगे बेस 4 में? 4 बन जा 4, और यहाँ पे 0, मतलब 1 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 0। इसका मतलब 0 यहाँ रख देंगे और 1 यहाँ रख देंगे। ये बात समझनी है आप लोगों को, ऐसे भी समझ सकते हो। ये हमारा क्या 4 है, तो अगर मैं 1 से जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा क्या? 0। 4 बन जा 4, तो 1 0, तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब ऐड करो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6। ध्यान से देखना बच्चों, 3 2 5 और 1 6। अब मुझे बताइए, 6 भी हमारा बेस 4 में नहीं आता है, तो 6 को क्या लिखोगे? देखो बेटा ध्यान से, 4 बन जा 4 और रिमाइंडर 2, मतलब 2 यहां रखोगे और 1 कैरी फॉरवर्ड हो क्या आ जाएगा? 3 1 4 और 1 5, 5 को क्या बोलोगे जल्दी बताओ बेस 4 में? 1 1, तो 1 यहां आ जाएगा और 1 फिर यहां आ जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा? 2। सो देखो, चेक करो, यही आंसर था, यही आंसर था पहले पार्ट का। चेक करिए बच्चों, डायरेक्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, एक बार चेक करें, यही आंसर था, फटाफट अप्लाई करें सभी लोग, यही आंसर था, क्लियर हुआ सभी को? बोले जल्दी से, डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया, डायरेक्ट एडिशन कैसे किया, क्लियर हुआ सभी को? रिप्लाई करो बच्चा पार्टी। चले, तो हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग डायरेक्ट एडिशन कैसे करेंगे। अब हम लोग यही चीज इसमें परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन। भाई ध्यान से देखिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस निम सेट में आ चुके हैं, सीयूटी में आ चुके हैं, ठीक है? तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको मिलेगा एग्जाम में, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है? देखिए कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट में एन माइनस एम पूछा था, बोलो या सुनो, एन क्या दिया है बच्चों? 1 1 3 3 माइनस, क्या माइनस करना है? बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, ध्यान से देखना करते क्या है बस, ठीक है? क्या डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन करने में? 3 में से 1 गया, चला जाएगा भाई? 3 में से 1 चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, चला जाएगा, तो कितना आएगा? 2, और 2 बेस 4 में तो होता है, हम लोग याद करना, ये सब्ट्रैक्शन जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? बेस 4 में, ये सब्ट्रैक्शन बेस 4 में कर रहे हैं, ठीक है? और इस कॉपी को किसी को दे मत देना, नहीं तो कहेगा ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ठीक है? छोटे भाई बहन को दे दोगे, कहेगा भैया और दीदी आजकल एडिशन भी गलत करने लगे हैं।
बोलेंगे एडिशन भी गलत करने लगे हैं, 314 होना चाहिए था, जीरो लिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, ठीक है। तो इस कॉपी को अलग रखिएगा, छोटे बच्चे को मत दीजिएगा। थ्री में से वन गया टू, थ्री में से टू गया वन, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा भाई, थ्री में से टू जाता भी है वन आता भी है, राइट। चले आगे बढ़ते हैं। अब वन में से थ्री माइनस करना है। अब आप मुझे बताइए वन में से थ्री जाएगा नहीं जाएगा। तो जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता था नॉर्मल डेसिमल में, आइए डेसिमल वापस आइए, मान लो बच्चों में 56 में से 83 माइनस करना है, मान लो 156 में से 83 माइनस करना है, कैसे करते थे देखो, 6 में से 3 जाता था, 3 आता था, हम बेस 10 की बात कर रहे हैं पहले, है ना, ध्यान से देखना बच्चों, 3 आता था बोलो। फिर जब 5 में से नहीं कर पाते थे तो इसमें से हम लोग 1 यहां से उठा लेते थे, याद है, तो यहां क्या हो जाता था 0 और यहां हो जाता था 15, फिर 15 में से 8 गया 7, तो यहां 15 क्यों होता था, क्योंकि हम लोग जब कैरी लेते थे ना, जो 1 लेते थे तो बेस 10 में होता था, तो 10 आ जाता था सीधा ऐड होके। ऐसे ही जब हम लोग यहां से कैरी उठाएंगे ये, तो यहां छूटेगा 0 और इसमें क्या ऐड हो जाएगा 4, मतलब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 4 ऐड हो जाएगा, मतलब ये ऊपर क्या बन जाएगा 5, तो 5 में से 3 जाएगा 2। फिर से समझने की कोशिश करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझने की कोशिश करो, अगर किसी को ना आया हो तो फिर से देखो बेटा, 1 1 3 3 माइनस क्या करना है 3 2 1, बहुत ईजिली बहुत इजीली सीखेंगे बच्चों, देखें बेस 4 में माइनस करना है, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, अब 1 में से 2 नहीं, 3 नहीं जाएगा, तो जब हम लोग यहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसमें प्लस 4 ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा प्लस 4, तो क्या बन जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, अब यहां से तो बना ही गया है, तो इसका मतलब क्या बचा यहां पे, तो 0, समझ गया ना बात को, तो क्या आंसर आ जाएगा 212 बेस 4, यही आंसर था, चेक करो, यही आंसर था, चेक करिए बच्चों। टेस्ट डिस्कशन करा दिया जाएगा, ठीक है, वैसे मैंने करा दिया कुछ बैचेज में, आप लोगों का जिन बच्चों का नहीं हुआ है करा दिया जाएगा, डोंट वरी, टेस्ट के जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप लोग चैट में भी डिस्कस कर लीजिए आपस में, अदरवाइज किसी दिन लेके मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इस वीक में भी टेस्ट आपका थर्सडे को होगा, ध्यान रखें, इस वीक में टेस्ट थर्सडे को होगा, और चारों लेक्चर्स का सिलेबस आएगा, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर का था वो, सेकंड लेक्चर का, और जो आज थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं ये, प्लस जो कल पढ़ेंगे वो भी आएगा, ठीक है, चार लेक्चर का सिलेबस आएगा थर्सडे को। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, अब मैं कुछ नए क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करिए बच्चों, बताइए एक्स इज इक्वल टू 3572 बेस 8, वाई इज इक्वल टू 775 या 475 या 675 बेस 8, फाइंड एक्स प्लस वाई, दूसरा एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बेस 8 में और एक्स माइनस वाई बेस 8 में, हो जाएगा सॉल्व, जल्दी करें बच्चों, एक्स दिया है बेस 8 में, वाई दिया है बेस 8 में, हमें एक्स प्लस वाई बेस 8 में निकालना है और एक्स माइनस वाई बेस 8 में निकालना है। टेस्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, असाइनमेंट भी दिया जाएगा आप लोगों को, एक लास्ट असाइनमेंट बहुत सारे बच्चों ने सबमिट नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो सबमिट कर दें, तभी आप उस बैच में एक्टिव रहेंगे, अदरवाइज आपको बैच से रिमूव कर दिया जाएगा, तो सीरियस रहे, इस बैच में उन्हीं बच्चों की जरूरत है जो सीरियस है, राइट, जो सीरियस है उन्हीं बच्चों की जरूरत है इस बैच में। माइनस में जब हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते थे तभी तो माइनस में आता था, तो वो चीज कंप्यूटर में एक नई चीज नए फॉर्म में आती है, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट, वो हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है भाई। मैथ्स में अगर आपको 5 में से 8 को माइनस करना है तो क्या आंसर आ जाएगा सर, -3 लिख देंगे हम लोग, है ना, मैथ्स में बेस 10 में डेसिमल में, ठीक है, बट कंप्यूटर में जब मुझे 5 में से 8 को माइनस करना होगा तो कैसे करना होगा वो हम सिखाएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्स में, राइट, वो मॉड्यूल 2 है हमारा।
असाइनमेंट्स के डाउट्स आप डिस्कस करिए खुद से, ठीक है? असाइनमेंट डिस्कस नहीं हो पाएगा, खुद से डाउट डिस्कस करिए और ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में पूछिए एक दूसरे से, ठीक है? जो और उस ग्रुप में हम लोग भी ऐड है, तो आप अगर कोई ऐसा डाउट रहेगा जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो बता दूंगा, ठीक है? असाइनमेंट बहुत आसान था, बहुत टफ नहीं था। जो क्वेश्चंस असाइनमेंट में मुझे लगे कि सारे बच्चों को डाउट लगे होंगे, तो सिर्फ उन क्वेश्चंस का असाइनमेंट का वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? सिर्फ उन क्वेश्चंस का। आप सोचो मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वो नहीं होगा, ठीक है? वो आपको करना है, असाइनमेंट भी आप नहीं करोगे तो कैसे होगा, राइट? असाइनमेंट इज योर टास्क। हाँ, बट उसमें जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि बेटा बहुत टफ है या जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन वीडियो बना के मैं डाल दूंगा आपका। ठीक है बेटा, चलें, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, सभी लोग आंसर करें। और जो बच्चे रिकॉर्डेड इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी इस पे आंसर्स कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ठीक है? इन फ्यूचर, बाद में, भविष्य में कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करते जाएं, और लाइक और कमेंट भी, लाइक और शेयर भी करते जाएं इसको, ठीक है? चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करते जाएं, बच्चा पार्टी चैनल पे अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी करते जाएं। देखें कैसे करेंगे, समझिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पहला पार्ट बच्चों लोग, x प्लस y, जिससे गलती हुई होगी एक बार मैच कर लेना, ठीक है? x 3572 बाय 675, वी हैव टू ऐड, और ऐड जो कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, जल्दी बोलो बच्चों, किसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग? बेस 8 में ऐड कर रहे हैं, राइट? छोटे मोटे में ऐड नहीं कर रहे, किसमें ऐड कर रहे हैं? बेस 8 में। 5 टू 7, तो 7 तो भाई बेस 8 में आता है, क्लियर? 7 7 14, कितना हो रहा है? 14। तो 14 बेस 8 में नहीं आता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? जो 14 आया है वो बेस 8 में नहीं आता है, राइट? तो 14 हमारा डेसिमल में है, क्योंकि जो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेसिमल कर रहे हैं, ठीक है? बट लिखना जो है वो किसमें लिखना है? बेस 8 में। तो बेस 8 में से क्या बोलोगे? 16 बोलोगे, नहीं बोलोगे, बोलो, ठीक है? आप ऐसे भी देख सकते हो, क्या 14 है, 8 का भाग दो कितने बार जाएगा सर? 8 बन जाए 8, तो 1 कैरी यहाँ आ जाएगी और 4 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 16 है ना, 14 है हमारा, 14 है हमारा, तो 6 यहाँ आ जाएगा, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 यहाँ बने यहाँ, या ऐसे सोच सकते हो 7 7 14, 8 का भाग दो 8 बन जाए 8, 6 बचा 6 यहाँ बने यहाँ। अब ऐड करो 6 5 11 11 और 1 12, ध्यान से देखना, या तो तुम 12 को भाग दे दो भाई बेस 8 में, क्या आ जाएगा? 1 4, या बहुत सिंपल है 6 5 11 1 12, 8 का भाग दो 8 बन जाए 8 और 1 4 12, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, 3 और 1 4। आई होप समझ में आ गया होगा बेस 8 का आंसर, ये बेस 8 में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया बच्चा लोग। चलिए अब उसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? 3 5 7 2 6, I'm sorry, थोड़ा दूरी पे लिख लेते हैं, 3 5 7 2 6 7 5, इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है, और किसमें सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों? बेस 8 में, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों 2 में से 5 तो कभी जाएगा नहीं, 2 में से 5 तो कभी गया नहीं, तो यहां से 1 उठाएंगे, तो यहां से 1 उठाएंगे तो यहां 6 बचेगा, बट जो 1 है वो 1 नहीं है, वो बेस 8 का है, 8 वैल्यू रखेगा वो, एक बन क्या रखेगा? 8 वैल्यू, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 5 क्या? 5, ध्यान से समझिए, 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहां से फिर 1 उठाएंगे, तो यहां से 1 उठाएंगे तो यहां 4 छूटेगा, और जो इसमें ऐड होगा वो 8 होगा, तो कितना बन जाएगा ये? 14। अब 14 में से 7 जाएगा? 7। अब 4 में से तो 5 6 जाएगा नहीं, तो फिर से यहां से उठाएंगे 1, तो यहां छूटेगा 2 और यहां बन जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6 और यहां बचेगा 2, तो 2 6 7 5 बेस 8। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा, आंसर मैच कर लीजिए। एक बार मैच कर लीजिए, यही आंसर आया सभी के, 4 4 6 7 2 6 7 5, ठीक है? मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप कंप्यूटर के बैच में ऐड नहीं है, फ्री बैच है हमारा ये कंप्यूटर का जो कोर्स चला रहे हैं हम लोग इसमें, तो आप एक्मे एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करिए, और उसके बाद एक मैसेज करिए एक्मे चैट में कि सर मुझे कंप्यूटर के टेस्ट बैच में ऐड कर दीजिए, तो आपको कंप्यूटर के बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है?
वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होगी एवरी वीक के सैटरडे संडे, राइट। एवरी वीक में सैटरडे संडे, और जिस वीक में नहीं हो पाएगी वो हम आपको अनाउंस कर देंगे। चले अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे, सभी लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, ए इज इक्वल टू दिया गया है 3a b 2 बेस 16, एंड बी दिया गया है बच्चों 5e f बेस 2 बेस 16। चलिए a प्लस बी निकालिए और बच्चों a माइनस बी निकालिए, a प्लस बी निकालिए और a माइनस बी निकालिए इन बेस 16। ये क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए ध्यान से, क्योंकि इस पे ही बेस्ड आपको एग्जाम में मिलने वाला है। फटाफट सॉल्व करें सभी लोग। कल होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच, राइट, वर्ल्ड कप फाइनल, और हमें लगता है कि इतिहास दोहराया जाएगा, जैसे 2019 का दोहराया वैसे 2003 का दोहराएंगे हम लोग, है ना। और करारा जवाब देंगे भाई, करारा जवाब, ठीक। तो भाई अगर कल की क्लास में, मतलब कल की क्लास डिले हो सकती है अगर मैच कम्प्लीट हो गया तो भाई स्टार्ट कर देंगे हम लोग 10 से 10:30 बजे, और अगर मैच कम्प्लीट नहीं हुआ तो ध्यान रखिए कल की क्लास डिले हो सकती है। बट कल क्लास होगी तो सिर्फ कब होगी, जब हम लोग इंडिया जीत जाएगा वर्ल्ड कप, और फिर हम लोग क्लास में ही कल केक काटने वाले हैं, ठीक है। क्लास में ही कल सेलिब्रेशन करेंगे, केक काटेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। सो बी रेडी फॉर टुमारो, जोरदार प्रहार होगा भाई, जोरदार प्रहार होगा कल। उड़ा के आंसर मारो बच्चा पार्टी, यस और नो, देखेंगे देखेंगे बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी, पहला पार्ट a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है 3a b 2, और b का वैल्यू कितना है 5e f, एंड वी हैव टू ऐड, राइट। बहुत इजीली, देखो बिल्कुल कूल होकर करिए सॉल्व, बस अब इतना ध्यान रखिए हम लोग सॉल्व किस में कर रहे हैं, बेस 16 में, तो कोई भी डिजिट वो नहीं रखेंगे जो 16 के ऊपर की जाएगी। F मतलब होता है 15, 15 और 2 कितना होता है बच्चों 17, 17 होता है, 17 को बेस 16 में क्या लिखेंगे, 1 1, कैसे देखो यही बस समझना है आपको, 17 को बेस 16 में कैसे लिखेंगे, 17 16 16 1 1, मतलब 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, बहुत इजीली समझिए। अब इसको देखिए ध्यान से, आप वैसे भी देख सकते हो 17 है, 16 से भाग करेंगे 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, गॉट इट। ये होता है 11 और ये होता है 14, 11 और 14 कितना हो जाएगा 25, 11 और 14 25, 25 और 1 26, 26 क्या होता है, तो सर 26 जो होगा वो होगा, समझिए 16 मंजा करेंगे ना, तो 16 मंजा 16 और 10, तो मतलब यहाँ पे आएगा a, मतलब 10 और यहाँ पे आएगा 1, एग्री। देखिए भाई फिर से समझिए, ये 14 है, ये 11 है, 14 11 25 होता है, और एक कैरी आया था 26 हो गया, तो 26 को बच्चों क्या लिखेंगे 16 में, जल्दी बोलो, 16 मंजा 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 मतलब a, एग्री, यस और नो, यहाँ पे a आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10, 10 और 5 15 और 15 और 1 16, 16 को क्या बोलेंगे 10, 16 डिजिट नहीं होती है 15 तक होती है, तो 10, तो यहाँ 0 आएगा 1 आएगा, 3 और 1 4, चेक करिए 4 0 a 1,
जिन बच्चों का आंसर 40A1 है वो राइट है। कहाँ पे? यहाँ पे ये 15 है, 15 रूट 17 होगा। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों। a माइनस बी, ए का मतलब कितना दिया बच्चों 3ab2 और माइनस क्या करना है 5ef, बस हमें सब्ट्रैक्शन करना है। बट इतना ध्यान रखना है हम लोग किसमें कर रहे हैं, बेस 16 में कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सब कर लोगे आप। देखो बच्चों 2 में से f तो नहीं जाने वाला, f 15 होता है, 2 तो 2 होता है। यहां से हम लोग उठाएंगे कैरी, तो यहां से जो 1 उठेगा यहां छोड़ के जाएगा a, यहां क्या छोड़ के जाएगा a, एग्री, यहां a छोड़ेगा बच्चों b में से, और यहां जब 1 जाएगा तो वो 16 ऐड होकर क्या बना देगा 18। अब 18 में से f जाएगा कितना बचेगा, जल्दी बोलो 18 में से f जाएगा कितना आएगा, 18 में से f जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ इसको, सेकेंड पार्ट a माइनस बी हम लोग कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से ये भेजेंगे इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 16 ऐड होकर 18 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एक कम हो जाएगा, 18 में से f गया मतलब 3 बचेगा। अब a में से e तो जाएगा नहीं क्योंकि a 10 होता है और ये e होता है, तो फिर इसमें से दे देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 है 16 और आ गया 26। अब 26 में से e जाएगा, e मतलब होता है 14, 26 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 12 का मतलब c। फिर से समझिए, 10 इधर जाएगा तो 26 हो जाएगा, 26 में से e मतलब 14, तो 26 में से 14 जाएगा 12 आएगा c। अब 9 में से 4 जाएगा, यस जाता है, 9 में से 4 जाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या बचेगा 4, और 3 में से 3, तो 3 4 c 3 base 16, 3 4 c 3 base 16। समझ में आ गया सभी को, एक बार फटाक से रिप्लाई करिए यस और नो। ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हैं बच्चों तो बहुत ही इजी है आपके लिए, अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हैं तो बहुत ही इजी है आपके लिए। देखिए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा अगर छोटा मोटा है तो आप इस मेथड से डायरेक्ट करिए, अगर बड़ा आ जाए तो हमें डेसिमल में ही जाना सही रहेगा, ठीक है। और वैसे बड़ा आएगा भी नहीं कभी, मतलब बहुत छोटा ही आएगा, जब भी हमारा डिवीजन आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन में तो मैं हमेशा बोलूंगा आप किस में जाइए, डिवीजन ऑलवेज आप पहले मेथड से करिए डेसिमल में कन्वर्ट करके डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एक बार आप डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है, बट डिवीजन के लिए आप डायरेक्ट जाइए। चले एक क्वेश्चन है जो निमसेट ने पूछा हुआ है 2019 में, आप सभी को पता है 2019 का पेपर अब तक का सबसे टफ पेपर माना गया था, ठीक है, और उसी में निमसेट में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग D4 base 16। कल हम लोगों का पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लोग कोड कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो मॉड्यूल 1 कल कंप्लीट होगा हम लोगों का, ठीक है। सभी लोग ट्राई करेंगे, निमसेट में आया हुआ है क्वेश्चन।
चलो देखेंगे कैसे करेंगे बच्चों। तो बहुत इजी है, देखें हम लोग ऑप्शन वाइज देखना है कि कौन सा मुझे ये देगा। तो सबसे पहले मैं अगर ऑप्शन ए में चलूं तो 4e और यहाँ पे कितना है 5b। तो आपको पता है e मतलब कितना होता है, जल्दी बोलो बच्चों। e मतलब, अच्छा पहली बात तो ये बड़ा है ये छोटा है, देखो ये छोटा नहीं रहेगा, बोलो ये छोटा है ये बड़ा है, तो कभी आंसर आएगा नहीं। बोलो भाई ये जो नंबर है वो छोटा है, ये नंबर बड़ा है, दिख रहा है नहीं भाई, 4 से स्टार्ट हो रहा है ये नंबर, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो आंसर कभी देगा ही नहीं। ठीक है, अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, 14e और यहाँ पे 7a। ई मतलब कितना होता है, 14 होता है, 14 में से एक गया 4 बचेगा, बचेगा अब यहाँ पे 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ पे 16 ऐड होकर क्या हो जाएगा 20। अब 20 में से 7 गया 13, 13 का मतलब डी, तो डी 4 आ गया नहीं आ गया, तो बेस बी विल बी द राइट आंसर। आप बेस सी भी चेक कर सकते हो, डी भी चेक कर सकते हो, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बी में आंसर आ चुका है हमारा, बट फिर भी जो बच्चा सी पहले लिया होगा वो कैसे करेगा देखें, 6d क्या आएगा आंसर बताओ। सी मतलब बच्चों कितना होता है, सी मतलब कितना होता है 12, डी मतलब 13, तो 12 में से 13 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ से 16 ऐड हो जाएगा, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 में से 13 जाएगा क्या आएगा 15 को क्या बोलेंगे एफ। अब 4 तो जाएगा नहीं, तो फिर से यहाँ से ले लेंगे, तो 16 × 4 = 20 हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा 14 आएगा, 14 का मतलब ई आएगा, तो ई एफ इसका आंसर होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। ऐसे अगर मैं डी पार्ट को चेक करूँ तो डी क्या आ जाएगा, देखो निकाल के 1e 4 और यहाँ पे क्या है ए 7। चलो यहाँ से हम लोगों ने 1 उठाया तो 20 बन जाएगा, 20 में से 7 क्या 13 आएगा, 13 को क्या बोलेंगे डी, और जब हम लोग यहाँ से 1 फिर उठाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले बचेगा क्या डी बचेगा, और डी मतलब 13 में से 10 गया 3, तो 3d आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। समझ गए सॉरी तो आई थिंक हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी बेस में, राइट, किसी भी बेस में, इवन हमारा डेसिमल में भी आ जाए तो भी हम लोग यही अप्रोच अपनी रखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, राइट। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी ही आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा आपके केस में कभी भी। मान लो दिया गया 32a बेस 16 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3a या 3e बेस 16 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू बेस 16। मान लो एक ये पार्ट आ गया हमारा, ठीक है, और दूसरा मान लो हमसे पूछा गया है 3 1 बेस 4 मल्टीप्लाई 1 2 बेस 4, ये बेस 4 में पूछा गया मान लो, तो पहले बताऊं कौन सा बेस 4 का बताऊं पहले, बहुत इजीली पहले बेस 4 का देख लेते हैं, 3 1 और 1 2, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, बस 6 को बेस 4 में क्या बोलेंगे 1 2, याद करो 6 को क्या बोलेंगे 1 2, तो 2 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, फिर से समझो 6 को क्या बोलेंगे बेस 4 में 4 1 जा 4 और 2 1 2 बोलेंगे, तो 2 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, क्रॉस लगेगा, 1 1 जा 1 3, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करो 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 3 2 और 1 3, बट इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 आएगा, और 4 को क्या बोलते हैं बेस 4 में 1 0, तो 0 और 1 बेस 4। आई होप कन्वर्ट हो गया होगा, बहुत इजीली है ना। सेकेंड पार्ट किया हम लोगों ने, फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों देखो ध्यान से, 3 2a मल्टीप्लाई में 3e, बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, हम डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं बट उसमें भी बहुत लेंदी होगा ये, है ना। e मतलब होता है 14, 14 टेंजा होता है 140, 14 टेंजा कितना होगा 140, 114 को बेस 16 में क्या लिखेंगे 16, 8 जा कितना होता है 126, है ना, तो 8 टाइम जाएगा 126 माइनस करो कितना बचेगा 14, 128 होता है क्या, 16 8 जा 128,
सही है ना, 128 होता है, तो 128 माइनस करो कितना बचेगा 12, और 12 को क्या बोलेंगे हम लोग, सी 8C, मतलब 140 को लिखेंगे 8C, ये बस यही समझना है आप लोगों को, तो सी यहां आ जाएगा और 8 कैरी हो जाएगा, ठीक। 14 टू जा होता है 28 और 8 कितना हो जाएगा, 28 और 8 36, 36 को क्या बोलेंगे बेस 16 में, सर 24, 16 दूनी 32, 16 टू जा 24, 32 और 4 36, तो यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 2, 8E मतलब 14 थ्री जा कितना हो जाएगा 42, 14 थ्री जा 42, ठीक है, 42 और 2 46, 46 को क्या लिखेंगे बेस 16 में, 2, 16 टू जा 32, 32 और 14 कितना हो जाएगा, 14 का मतलब E, 2E, क्या बोलेंगे 2E, तो E यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई, 3 टू 10 और 3 जा कितना होता है 30, 30 को क्या बोलोगे 24, 16 सॉरी 24 नहीं, 30 को क्या बोलेंगे 1E, 16 और 14 कितना होता है 24, तो 1E, मतलब यहाँ पे E लिखेंगे और 1 कैरी आएगा, 3 टू जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9, अब ऐड करेंगे सी 14 4 18 होता है, 18 को क्या बोलेंगे 14 4 18 होता है, 18 को क्या बोलेंगे 1 2, 16 बन जा 16 1 2, तो 2 यहाँ आएगा 1 आएगा, एग्री, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 और 22 हो जाएगा, 22 को क्या बोलेंगे 1 6, 6 यहाँ आएगा 1 आएगा, 9 टू 11 और 12, 12 को क्या बोलेंगे सी, एक बार देख लीजिएगा कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो गई कोई, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक माइट भी हो सकती है, बट इसका जो आंसर आ रहा है वो C62C बेस 16 आ रहा है, चेक करें, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो एक बार चेक कर लेना, बट आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और मल्टीप्लीकेशन भी क्लियर हो गया होगा। 44 होगा सर, कहाँ पे 44 होगा बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई है ना, बच्चे लोग बोल रहे हैं, चेक करें एक बार फिर से, कहाँ पे हुई है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है बेटा, सर फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई से 2C4C आएगा सर, 2C4C आएगा यहाँ से, ओके लेट मी चेक, बच्चे बोल रहे हैं 2C4C आएगा, लेट मी चेक, ई और ए होता है हमारा 14 और 10 जा हो जाएगा 140, 140 को लिखेंगे 8C, सी यहाँ आएगा 8 कैरी आएगा, ई और 2 मतलब 14 टू जाए 88 हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 और 8 हो जाएगा हमारा 36, 36 को हम लोग लिखेंगे 24, तो 4 यहाँ आ जाएगा 2 कैरी आ जाएगा, ई मतलब होता है हमारा 14, 14 थ्री जा कितना हो जाएगा, अच्छा 44 होगा सॉरी ये 2 कैरी है, तो 18 थ्री जा 14 थ्री जा होगा 42 और 2 क्या हो जाएगा 44 ना कि 46, तो ये हमारा 44 है, 44 है बच्चों, तो यहाँ पे सी आएगा राइट, 16 टू जा 32 और सी आएगा यहाँ पे, तो सी यहाँ आएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना, अब कैरी क्या बची 2 आ गई, तो बस हो गया ना 2, सो दिस इज द 2C4C, यही बच्चे बोल रहे आई थिंक है ना, 2C4C सॉरी C4C2, सो फर्स्ट लाइन में 2C4C आएगा, ठीक है गॉट इट, सेकेंड लाइन तो सही है, तो सी हो जाएगा ये, अब इधर देखते हैं बेटा 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 को क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 को 2 बोलेंगे और कैरी 1 आ जाएगा, सी मतलब 12 और 1 13, 13 20 हो जाएगा, 20 को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग 1 4 है ना, तो सी यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा कैरी, 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा, C4 2C राइट, नोट कर लो C4 2C विल बी द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आई थिंक समझ आ गया होगा, C4 2C विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यार आपने एक चीज समझ लिया होगा सर, कैसा भी आ जाए मल्टीप्लाई आ जाए, चाहे डायरेक्ट बेस में ही क्यों ना आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, किसी भी बेस का आ जाए, अब आप डरने वाले नहीं हो, आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे राइट, एक क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज क्लास को एंड करेंगे अपनी, ठीक है, सभी लोग आंसर बनाएंगे, एक्स दिया गया है 3521
0.32 बेस 6 और y दिया हुआ है 421.55 बेस 6 एंड यू हैव टू फाइंड x प्लस y. चलिए भाई x प्लस y को पता करिए इन बेस 6 में. बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, ट्राई करेंगे सभी लोग, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं. आंसर करेंगे सॉल्व सभी लोग. आई थिंक बच्चों आने लगा होगा आप लोगों का भी आंसर. लेट मी चेक क्या होगा भाई. हमें x प्लस y निकालना है ना, x प्लस y. x क्या है हमारा 3521.32 और ये कितना है हमारा 421.55 बेस 6. बहुत इजी है. बस जहां पॉइंट लगाओ वहां पॉइंट लगाओगे. 527 7 को बेस 6 में क्या लिखेंगे, 1 1. भाई 6 बन जा 6 और 1 बचेगा तो 1 1, तो 1 यहां आएगा, 1 यहां आएगा. 538 और 1 9, 9 को क्या बोलोगे, 1 3, तो 3 यहां आएगा, पॉइंट लगा के 1 यहां आएगा. ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. 9 को क्या बोलोगे, 1 3, तो 3 आएगा, 1 आएगा, तो 4. तो 43.31 बेस 6. आई थिंक क्लियर हो गया होगा हर एक बच्चे का. बताइए भाई. चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग क्लास ओवर. क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू है 11.01 बेस 2 और b बच्चों है 10.11 बेस 2 एंड कन्वर्ट करना है इसको. फाइंड बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए बी. ए बी का मल्टीप्लाई करना भाई, बताए. देखे भाई, बाइनरी को हम लोग नॉर्मल तो कर ही सकते हैं, बहुत आसानी से. नहीं कर सकते भाई नॉर्मल. हमें क्या करना है, यहां पे दिख रहा है कि 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे बच्चों, देखो ध्यान से, ए बी का जब मल्टीप्लाई करोगे अगर डायरेक्ट, तो आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात. यहाँ पे 4 लाइनें लगानी पड़ेगी. यस नो, लग जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं. कैसे लगती, याद है ना, 1 का करोगे क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 यहाँ मल्टीप्लाई, याद आ रहा है ना. फिर 1 का मल्टीप्लाई, फिर 0 का. बचपन याद आ रहा है कि नहीं. फिर 1 का, क्लियर है. ऐड करो 1 1 1, 3 बार 1 को क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे. और 3 को क्या बोलते हैं, 1 1.
तो वन यहाँ आ जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, वन वन क्या हो जाएगा टू, टू को क्या बोलेंगे जीरो वन, जीरो यहाँ आ जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, फिर से टू हो जाएगा, टू को बेस टू में टू तो लिखते हैं ना, ये क्या बोलेंगे जीरो वन, तो जीरो आ जाएगा, वन यहाँ आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जीरो वन, ये वैल्यू आ गई। और पॉइंट कितने के बाद लगाना है, चार के बाद, तो दो दो चार के बाद लगा दिया पॉइंट। सो द राइट आंसर इज 1000.1111। अगर इसी को क्वेश्चन बोल देता फाइंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए बी, फाइंड हेक्सा इक्विवेलेंट ऑफ ए बी, हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए बी, ए बी का अगर हेक्सा डेसिमल पूछ लिया होता तो इन चारों का पेयर बना देते, या सुनो, तो ये एट हो जाता और ये एफ हो जाता, एट पॉइंट एफ। आई होप समझ में आ रही होगी बच्चों, ये गेट एग्जाम में पूछा गया है 2017 में क्वेश्चन, ठीक है। गेट में से बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा गया था, मैंने आपको हेक्सा करा दिया, हेक्सा भी कर सकते हो और बाइनरी भी कर सकते हो। बेटा जरूरी नहीं ना बेस सेम है, बेस सेम ही रहेगा, राइट, जरूरी नहीं बेस सेम ही रहेगा, आपका बेस बदल के भी आ सकता है, राइट, आपका बेस बदल के भी क्वेश्चन दे सकता है। मैं वो भी दे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप लोग ये लगे कि सर कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, ए इज इक्वल टू 35A. या एक्स इज इक्वल टू 35A.E2 बेस 16, और बच्चों वाई इज इक्वल टू 675.21 बेस 8, फाइंड एक्स प्लस वाई इन बेस 16 हो जाएगा। यहां पे बेस अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग बेस होंगे तो हमें सेम बेस बनाने पड़ेंगे। अर्जुना बैच बेटा कल से शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा अर्जुना बैच की क्लासेस, ठीक है, अर्जुना बैच बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होने वाला है और मंडे से इसकी क्लासेस आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है इस बार अर्जुना बैच में, अर्जुना टेस्ट सीरीज में, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहे और बस आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी मंडे से। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। कल बस फाइनल में जिता दें इंडिया को, फिर अपन परसों शुरुआत करेंगे कहानी की। और जो बच्चे भी किसी भी कोर्स में एनरोल्ड बहुत पहले से हैं एक्मे एकेडमी में, आपको बता दें कल आपका पहला मॉक टेस्ट होने वाला है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसमें 100% इंसर्ट का सिलेबस आएगा, क्योंकि कई बैचेज में सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपका 100% सिलेबस का टेस्ट होगा। आप टेस्ट को दें, एनालिसिस करें, फिर कल एनालिसिस बीट क्लास भी होने वाली उसी टेस्ट की, कल जो पढ़ाया जाएगा उसका एनालिसिस क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, आधा घंटे ही करेंगे, मतलब एक जस्ट रिव्यू करेंगे पेपर का, फिर बाद में अलग से एनालिसिस पूरा करेंगे डिटेल में, बट एक पेपर का रिव्यू भी करेंगे हम लोग 1:30 बजे के आसपास कल। तो सभी लोग 9 बजे टेस्ट लाइव हो जाएगा, 1:30 बजे तक टेस्ट जरूर दे लेना, आधा घंटे रिव्यू करेंगे और फिर 2 बजे से मैच देखेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसका क्लास ओवर। अब इस चैप्टर में हमारा बचा हुआ है क्या बच्चा लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, जल्दी बोले, अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, ठीक है, जो भी चीजें बची हुई है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, यानी कि कल जब इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप जीत चुका होगा, ठीक है। चलो भाई, तो हो गया होगा सॉल्यूशन, देखो यार किस में चाहिए मुझे आंसर, बेस 16 में चाहिए, तो दोनों को 16 में बदल लेते हैं ना, बोलो भाई, ए तो पहले 16 में दिया है क्या, 35A.E2, बाई को भी बेस 16 बदल लेते हैं, तो सबसे पहले बेस 16 बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस 2 में बदलना पड़ेगा, तो 4 को 5 को क्या बोलते हैं 101, 7 को क्या बोलेंगे 111, 6 को क्या बोलेंगे 426, हो गया, 0.2 को क्या बोलोगे 010, इसको क्या बोलेंगे 001, 4 यहाँ की लेंगे, 4 यहाँ की लेंगे, आ गया ना, यहाँ पे यहाँ से लेते हैं 4 और 13 को बोलेंगे D, राइट ना, 11 को बोलेंगे B, यहाँ पे से बनाएगा क्योंकि पीछे 3 जीरो ले सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसे आगे भी 3 जीरो ले सकते हैं ना पॉइंट के बाद,
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, बेटा मिनट, 2 0 लेनी पड़ेगी ना, 4 तो है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ कर गए क्या हम लोग, सही 1 ही 0 लेना पड़ेगा बस ना, है ये क्या है हमारा 4, और ये कितना है, ये भी 4 है ना, चलिए y कन्वर्ट हो गया, तो x प्लस y करते हैं, चलो बच्चों फाइनली x प्लस y करते हैं, x क्या है 358.E2, और y क्या है बच्चों 1BD.44, 4 2 6 हो जाएगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 को क्या बोलेंगे 1 2, तो 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 10E हो जाएगा 13 और 10 23, 23 और 1 24, 24 को क्या बोलेंगे 16 से डिवाइड करोगे तो 1 8, तो 1 यहाँ जाएगा 8 यहाँ जाएगा, 11 और 1 12, 12 5 17, 1 1 बोलेंगे 3 1 4 1, चेक कर लीजिए यही आंसर आया 518.26। अगर आप लोग सीख गए हैं बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। यस, हर बैच के लिए मॉक टेस्ट रहेगा, जो भी बच्चे टेस्ट दें, जो भी बच्चे ज्वाइन किया एक्म एकेडमी के किसी भी कोर्स में, आप सबको मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अगर आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये जो कंप्यूटर की सीरीज आपकी कैसी लग रही है आपको। आज थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, आपको समझ में आ रहा होगा मेरा थोड़ा हेल्थ उतना सही नहीं है आज, ठीक है। तो आज ज़्यादा नहीं रखते, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास यानी कि कल बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग मॉड्यूल 1 में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस अभी तक निमसेट में हैं वो भी कवर करेंगे, सीयूटी में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो कल हमारा मॉड्यूल 1 का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, और एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं जो कि आपकी कल होने वाली है। साथ ही साथ अगर किसी भी बच्चे को ऑफर लेना है, कोई भी कोर्स में एनरोल करना है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं दिवाली ऑफर अभी भी लाइव है, और इस दिवाली पे हम लोगों ने अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया था, इस दिवाली पे हम लोगों ने बच्चों अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया था। तो इस दिवाली को आप पढ़ाई वाली बना के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, अर्जुना बैच परसों से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो अर्जुना लाइव बैच आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे डिटेल्स आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं आपको कल, थैंक यू, गुड नाइट।